श्रोताओं नमस्कार। आज स्टूडियो में हम एक नए मुद्दे के साथ उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं मिस्टर हरिपाल पिलानिया जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनको अलग अलग तरह के अभिभावकों से मिलना होता है और उन्हें अटेंड करते करते उनका अनुभव इतना गहरा हो गया है कि हम उनके अनुभवों को साझा कर रहे हैं इस मंच से। आज हम जिक्र करेंगे कि अभिभावक एक बच्चे के विकास में कितना सहयोग देते हैं। हरिपाल सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम यही बात कहेंगे सर कि गुड पेरेंटिंग क्या मुद्दा है। एक्चुअली मैम, गुड पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत विस्तृत टॉपिक है। इसको शब्दों में बांधना काफ़ी मुश्किल है। इसमें पेरेंट्स का, खासतौर से मदर का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। एक हाल ही में कोटेशन मैंने पढ़ी थी जिसमें था कि 10 टीचर एक आचार्य के बराबर, 100 आचार्य एक फादर के बराबर, पापा के बराबर, और 1000 फादर बराबर हैं एक माँ के। यहाँ महिला सशक्तिकरण पे भी आपने बहुत अच्छी बात कह दी है सर कि महिलाएं जो रोल निभा रही हैं पूरे समाज का निर्माण करने में, वो कितना सशक्त है। बिल्कुल, उसको बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं हम माँ के रोल को। जी, एक माँ और पिता दोनों अपने बढ़ते हुए बच्चों के लिए जो सपना देखते हैं वो बचपन से ही, क्योंकि माँ के बारे में ये भी माना जाता है कि माँ और दुनिया से 9 महीने पहले बच्चे को अनुभव करती है। जी, तो वो बच्चे को बढ़ाने में, उसका विकास करने में कैसे सहयोगी हो? शायद इससे थोड़ी सी अलग आपको बात लगे, बच्चों के पालन पोषण में जो माँ बाप का रोल है वो सहयोग कैसे करें। माँ जो है, जो सबसे ज़्यादा एक अच्छा काम अपने बच्चे के लिए कर सकती है वो है अपने पति से प्यार करना। जी बिल्कुल, नई चौंकाने वाली बात आपने आज यहाँ बताई। यही चीज़ पिता के लिए भी है कि वो अपने बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा काम कर सकता है वो है अपनी पत्नी को, यानी बच्चे की माँ को प्यार करना। मतलब ऑटोमेटिकली वो सिखा देते हैं बच्चों में प्यार की भावना को। जी बिल्कुल। दूसरा, जैसे आजकल बच्चों में बहुत सी समस्याएं हम देखते हैं, मैंने क्लोजली चीज़ को ऑब्जर्व किया है, जो माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर, खासतौर से बच्चों के सामने, जी वहाँ पे बच्चों की हैंडलिंग में, अच्छे बच्चे तैयार करने में काफ़ी समस्याएं हम देखते हैं। मतलब एक बच्चे को पालने में माँ बाप को बहुत सतर्क और जागरूक रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। किस तरह से आप इस बात को विश्लेषित करेंगे कि एक कुशल माता पिता अपने बच्चों को पालने पोसने में और माता पिता से ज़्यादा सहयोगी होता है? जॉब में है आजकल, हाउस वाइफ्स कम देखने को मिल रही हैं, वर्किंग वुमेन हैं, तो वो कैसे समय निकालें कि अपने बच्चों पर भी पूरा ऑब्जर्वेशन रखें, उनका पालन पोषण में भी पूरा ध्यान रखें और साथ साथ अपना काम भी करती रहें? मैं समझता हूँ बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की और बहुत ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत नहीं है। जी, मैं यहाँ से एक छोटी सी बात एक बचपन से लेना चाहता हूँ। मान लो 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको जितने कम हेल्प करेगी मम्मी उतना ही एक इंडिपेंडेंट अच्छा बच्चा तैयार हो जाएगा। जी, स्कूल में हम पेरेंट्स को इस चीज़ में खास तौर से हिदायत देते हैं कि बच्चे की कोई हेल्प नहीं करना, बच्चा खुद अपना काम करना सीखे। हाँ, खुद अपना काम करना सीखे, वो गलतियाँ करे और अपने आप उन गलतियों से सीखे और वो एक अच्छे बच्चे तैयार हम कर पाएंगे। सर, क्या इतना छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा इस लायक होता है कि वो अपने आप को संभाल सकता है? हाँ, हम इसमें बच्चों पे भरोसा नहीं करते। हम बच्चों के लिए सारी चीज़ें आगे से आगे कोशिश करते हैं प्रिपेयर करने की, रेडीमेड तैयार कर करके देने की, और इस प्रोसेस में उसकी जो भी अपनी लर्निंग है बच्चे की जी, वो पीछे छूट जाती है। तो यहाँ अभिभावकों को इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि वो बच्चों को जितनी ज़रूरत हो उतनी दें। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान करेगी। बिल्कुल, ज़रूरत से ज़्यादा बहुत नुकसान करती है। हमने तो एक बल्कि एक टैग लाइन है, बच्चों की आप जितनी कम मदद करेंगे उतने ही इंडिपेंडेंट और जीनियस बच्चे तैयार हो जाएंगे, स्वतंत्र बच्चा बनेगा वो। जी, तो ये जो विकास है, क्या शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से बच्चे का मार्गदर्शन जब अभिभावक करते हैं तो दोनों तरफ से उसको स्वतंत्र छोड़ देना सही है? है तो सही यही, लेकिन अपने समाज में इस चीज़ की अभी स्वीकार्योक्ति नहीं है। जी, कि हम बच्चे की आज़ादी को एक नेगेटिव तौर पे लेते हैं कि आज़ादी नहीं छोड़ आज़ादी नहीं दे सकते बच्चे को इतनी, लेकिन सच ऐसा है कि जितनी आज़ादी बच्चे को मिलेगी उतना ही बच्चा अच्छा तैयार हो जाएगा। सख्त अनुशासन में पले हुए बच्चे हमेशा उद्दंड होते हैं, जैसे उनके ऊपर से वो प्रेशर हटता है, चाहे वो टीनेज में हट जाए या जवानी में हट जाए, वो उत्पात मचाते हैं फिर समाज में। जी, मतलब घर में जितनी भी सख्ताई बरती जाएगी, बच्चा जहाँ भी मौका मिलेगा उतना ही अपने आप को वो फिर
इसमें मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करूँ तो बोसिज्म नहीं चलेगा, वो पेरेंटिंग अब चली गई कि एक पिता ने या दादा ने एक फरमान निकाल दिया कि ये ऐसे होगा वही एक्सेप्ट होगा, ऐसा अब नहीं चलता। लेकिन जिन अभिभावकों ने बोसिज्म भुगती हुई है वो क्या करें? वो उनका वकल है, कुछ नहीं कर सकते उसमें। जबकि कई बार हम ऐसे अभिभावकों से मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम तो ऐसे पिटते हुए बड़े हुए हैं और अब क्या खास है। जब हम पिटते थे तो ये तो पक्की सी बात है कि हम कोई खुश तो नहीं थे। जी, पिट कर तो कोई भी खुश नहीं होगा। हाँ। लेकिन अब उन्हीं टीचर्स के लिए क्या मन में एक भाव होता है कि हाँ वो अपनी जगह पर सही कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल सही नहीं कर रहे थे, मैं इसको कभी भी नहीं मानूंगा। मैं ये सोच के एक बार थोड़ा सा उनके लिए इजी फील करता हूँ कि उनको पता नहीं था। जी, साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी, इतनी गहराई से नहीं पढ़ी थी उन्होंने, वो रिसर्च नहीं की थी, लेकिन जो जख्म छोड़े हैं उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। अच्छा, इतने गहरे जख्म ले रखे हैं आपने। मैंने क्या, सब ने ले रखे, मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठ के, कोई और कहते नहीं। जो बच्चों की डेवलपमेंट का मामला है उसमें टीचर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जी। एक इनक्रेजमेंट के साथ बच्चों को सिखाएं, कोई चीज कर सकते, तुम कर सकते हो, तुम अच्छा कर सकते हो, एक इस तरीके से सिखाएं, और एक उसको डांट के तुमसे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। तो पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी लेबलिंग से बचना चाहिए कि तू तो ऐसा ही है, तू तो ऐसा ही है, इस किस्म से वो बच्चा एक नेगेटिव जोन में चला जाता। मतलब अभिभावक और पेरेंट्स मिलकर बच्चे के दिमाग पे एक ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो एक दिन उसको जचने लग जाता है कि सच में वो कुछ नहीं कर सकता। उसका कॉन्फिडेंस, उसके सेल्फ एस्टीम रोज हर्ट होती है ऐसे डायलॉग सुन सुन के, और फिर वो करता है कि जो करना है कर लो, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। वो पर्सनैलिटी एक्चुअली बनाने वाले हम ही हैं। जी, तो यहाँ अभिभावक क्या ऐसा करें कि बच्चे के दिमाग में कहीं भी ये बात घर ना कर जाए कि उसके पेरेंट्स उसके विरोध में जा रहे हैं या उसका साथ नहीं दे रहे हैं? एक कॉमन सी चीज है जो हम कई बार पढ़ते हैं, वी लिसन टू रिप्लाई, वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड। जी, तो अभिभावक जो सबसे बड़ा एक काम कर सकते हैं वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं बच्चों के साथ, और खासतौर से टीनेज में ये बहुत जरूरी हो जाता है। जी। बच्चा आके अपने दोस्तों के बारे में कुछ बात बताता है तो हम एकदम से जजमेंटल होके वहीं पे उसको पूरी बात करने से पहले रोक देते हैं और अपने फेस एक्सप्रेशंस इस किस्म से बनाते हैं कि पता नहीं क्या गुनाह करके आ गया बच्चा, पता नहीं क्या उसने क्राइम कर दिया है। जबकि बच्चा उम्मीद करता है कि वो घर में जो ये बातें शेयर कर रहा है तो उनके सुनी जाए, रिप्लाईज मिले उसको, रिप्लाई मिले उसको, सुनी जाए उसको, समझा जाए उसकी चीज को, तो उसके बाद फिर आगे वो शेयर करना बंद कर देता है। किसके साथ शेयर करता है? सो कॉल्ड उन बच्चों के साथ जो खराब हैं, जो निकम्मे हैं, और फिर वो गलत संगति, इसी को अपना एक दायरा बना लेता है बच्चा। फिर जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करेगा एक्चुअली वहीं पे शेयर करेगा, सिंपल सी बात है। वो कम्फर्ट पेरेंट्स से मिलता रहेगा तो बच्चे फिर गलत राह पे कभी भी नहीं जाएंगे। और बच्चों को कोई चीज़ समझाई जाए तो लॉजिक के साथ समझाई जाए, बोसिज्म के साथ नहीं। जी, यहाँ जो घरेलू वातावरण है सर, एक पेरेंट्स जो बच्चे को घरेलू वातावरण देते हैं वो अगर कहीं बच्चे के सपनों से मैच ना कर रहा हो और वहाँ बच्चा अगर विरोध करता है तो वहाँ क्या किया जाए? जैसे बच्चे को हम उस पर थोप देते हैं कि तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, लेकिन बच्चा मन ही मन ये बात माने बैठा है कि वो नहीं बन सकता या उसमें उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, लेकिन पेरेंट्स उसको बार 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 उसके दिमाग में ये बात डाल रहे हैं, तब क्या संतुलन बनाया जाए कि पेरेंटिंग भी सही हो और बच्चा भी सही मार्ग पर चले? ये भी एक बड़ी समस्या है हमारे समाज में। कसूरवार बच्चे नहीं है, जिस किस्म का प्रेशर वो कैरी कर रहे हैं ये डिमांड एंड सप्लाई फेलियर है एक्चुअली। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि नीट के लिए या आईआईटी के लिए 15,000 सीटों के पीछे 15,00,000 बच्चे अपीयर होते हैं उसमें। डिमांड एंड सप्लाई फेलियर है एकदम से, 100 में से एक बच्चा ही जाएगा। 99 बच्चे घर वालों के ताने सुनते हैं कि तुम्हें कोटा भेजा था, 5,00,000 खर्च किए, 3,00,000 खर्च किए, हमारा इतना पैसा बर्बाद किया और क्या रिजल्ट आया, तो वो बच्चे एक गिल्ट के साथ जीते हैं। लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता है सर, 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट, ये तो बहुत छोटे लेवल की परीक्षाएं हैं, यहाँ भी बच्चे अगर असफल हो जाते हैं तो वो सुसाइड जैसा कदम भी, निर्णय भी ले लेते हैं अपनी जिंदगी में और वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। काफी दुखद है विषय, उनको जीना मुश्किल लगने लग जाता है और मरना आसान लगता है, और वो सिचुएशन जो क्रिएट की गई है कहीं ना कहीं हमारे घर के अंदर ही लगातार वो बातें हुई होंगी कि ये कर सकता था, नहीं किया, पढ़ा नहीं, टाइम बर्बाद किया है। तो वहाँ अभिभावक उन बच्चों के साथ कैसे हैंडल करें? एक चीज़ तो पक्की है, ये अभिभावक भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है
की रोटी तो सबको मिलेगी जी, ये बिल्कुल सरल सी बात है, इतनी सी बात है कि रोटी तो सबको मिलनी है। तो यदि और हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, यदि हर बच्चा डॉक्टर बनेगा तो सारे इतने सारे डॉक्टरों का हम करेंगे क्या? सर, पेरेंट्स इस बात को इशू बना लेते हैं, स्टेटस पॉइंट बना लेते हैं कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा डॉक्टर होना चाहिए, मैं इंजीनियर हूं तो मेरा बेटा इंजीनियर होना चाहिए, लेकिन बच्चे का रुझान किसी और तरफ है। यदि इतना भी होता मैम तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, इससे आगे भी है, इससे बियॉन्ड है। मैं बेशक कुछ भी काम करता हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर जरूर बनना चाहिए। एक्चुअली हमारे देश में कम 3-4 प्रोफेशन ही हैं जहाँ पे बात करते हैं पेरेंट्स के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, आईएएस बनेगा, यूपीएससी के लिए, इससे इतर सोचते ही नहीं, जबकि सैकड़ों सैकड़ों और करियर भी हैं। एक मान लो हम सचिन तेंदुलकर को डॉक्टर बनाने की कोशिश करते तो कितना खराब डॉक्टर बनता वो, और खिलाड़ी बहुत अच्छा साबित हुआ वो। तो इस किस्म से बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, आजकल तो साइकोलॉजी काफ़ी हेल्प करती है इसमें कि 8वीं 10वीं क्लास में आते आते ही बच्चों के ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट करा लेने चाहिए कि एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है उसकी कैपेबिलिटी। मैं खुद अपनी बताऊँ, मैं हीरो बनना चाहता था, ठीक है, तो देट वॉज माई इंटरेस्ट। तो मुझे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, पर बनना चाहते मैं बनना चाहता था। चाहत एक फैंटेसी में बच्चे थोड़ा सा जी कुछ रहे हैं, भी सोच लेते हैं। उस चीज के लिए आजकल साइकोलॉजिकल हेल्प है, वो पेरेंट्स और स्कूल को ले लेनी चाहिए। और तो यहाँ बच्चों से ज्यादा जरूरी है अभिभावकों की काउंसलिंग की जाए। हाँ, बच्चे तो कच्ची मिट्टी है मैम, उनको तो जैसा हम ढाल लेंगे, जैसा बना लेंगे, ऐसे बन जाएंगे। एक और चीज मैं कई बार पेरेंट्स से बात करता हूँ कि हम ऐसे एक समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं। आपस में बातचीत में भी जब सोशल टॉक होते हैं बोलते हैं फलाने का बच्चा ना निकम्मा निकला जी, या फलाने का बच्चा बड़ा होनहार निकला। मैं ऐसे समाज का इंतजार कर रहा हूँ, ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा हूँ किसी दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि मेरी अच्छी पेरेंटिंग नहीं थी इसलिए मेरा बच्चा निकम्मा निकला। मतलब दोषारोपण दूसरों पर करने की बजाय खुद पर ले। किसी दिन वो पेरेंट्स ये जिम्मेदारी खुद लेने लग जाएंगे तो मैं समझता हूँ एकदम से हम अच्छे समाज की तरफ चले जाएंगे। ऐसे समाज के निर्माण के लिए सर हम सबको, क्योंकि हम सब माता पिता भी हैं, समाजवासी भी हैं, टीचर्स भी हैं, अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं, क्या ऐसा स्पेशल करना चाहिए कि ऐसे समाज का निर्माण हम कर पाए? ये एक बहुत बढ़िया सवाल है और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी है। जब बच्चे छोटे होते हैं 3-4-5 साल के, उनकी उम्र के बहुत से गेम्स होते हैं, सांप सीढ़ी खेलना बच्चे पसंद करते हैं, पिक्चर बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। यदि माँ बाप उनके साथ कुछ आधा घंटा रोज, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी वो टाइम जैसे निकाल पाए, उनके साथ वो गेम्स खेलते हैं तो बच्चे की बॉन्डिंग बनती है। बच्चा कभी भी ये नहीं हुआ कि शेयर नहीं करता टीनेज में जाएगा तो भी, प्लस बच्चे के जो ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर मतलब थोड़े से खेल खेल में हम उनका मानसिक विकास भी कर रहे हैं, उनको समय भी दे रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा बच्चा 6-7 साल का हो जाएगा तो उसके साथ चेस खेलें। अपने सोसाइटी में 10% से कम ग्रोन अप्स को चेस खेलना आता है, ये काफ़ी बुरी खबर है। जबकि 36 ऐसे देश हैं दुनिया में जहाँ पे चेस को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है, वहाँ पे 90% लोगों को चेस खेलना, पूरा दिमागी कसरत का गेम है। हाँ, चेस को मैं खास तौर से इसलिए यहाँ पे एलिब्रेट कर रहा हूँ, चेस खेलते खेलते बच्चा कॉन्सिक्वेंसेज को इनकाउंटर करना सीखता है कि मैं ये करूँगा तो उसके ये रिजल्ट आएंगे जी। प्लस 1-1.5 घंटा जब वो मान लो 12-13 साल का बच्चा है 1 घंटे चेस की बाजी पे लगाता है तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी डेवलप होती है जी। मैं काफी पेरेंट्स से मिलता हूँ जो बोलते हैं जी होशियार तो बहुत है लड़का लेकिन ये टिक्के नहीं बैठता जी, इट इज गुड फॉर नथिंग साबित हो गया ना। तो यदि बचपन से चेस खेलते हुए जो बच्चे बड़े होंगे और सीटिंग डेवलप होगी, पेशेंस डेवलप होगा, कंसंट्रेशन डेवलप होगी, और एक जो आपने अभी शुरुआत में बात उठाई थी कि सुसाइड तक चले जाते हैं, मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं मिला जो चेस खेलते हुए बड़ा हुआ है और उसने सुसाइड किया हो जी। तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी बच्चे में देता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं कई बार पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेशन देता है, यदि आप रीडिंग हैबिट डेवलप कर लें एज ए पेरेंट, रोज आप आधा घंटा पढ़ें, 20 मिनट पढ़ें, 40 मिनट जैसा आपके पास वक्त है, तो आपको बच्चों को कभी पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा, वो खुद ब खुद बच्चों में आ जाएगी, अपने वो आप आदत आ जाएगी जी। और यदि 30-40 बुक्स हर साल एक बच्चा पढ़ता है आउट ऑफ सिलेबस, तो उन बुक्स के जरिए वो विदेशों में भ्रमण करता है, कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं बुक्स में जो उसके फ्रेंड बन जाते हैं, पूरा स्टोर उसके दिमाग में बन जाता है, ब्रेन स्टिमुलेशन होता है, कितनी सारी चीजें वो सीखता है।
जो उसके जीवन में काम आती है, कहीं ना कहीं उस उन घटनाओं से जुड़कर वो बिल्कुल बच्चा सीखता है। जी सर, एक बहुत बड़ा सा प्रचलित सा शब्द है जनरेशन गैप। जी जी, जो हर एक अभिभावक इस बात का रोना रोते रहते हैं, मैं सही शब्दों में यही कहूँगी कि हमारे बच्चे कंप्यूटर में हैं, जो आपके डिजिटल इंडिया में आ गए हैं, ये हमें नहीं आता, और बच्चों का हम समझ ही नहीं पाते कि वो कर क्या रहे हैं, और बच्चे अपने माँ बाप को इस तरह से बहका देते हैं कि आपको क्या पता इस बात का। तो ये जनरेशन गैप कवर करने के लिए क्या होना? मैं समझता हूँ जनरेशन गैप पे कुछ साल पहले तक तो था जी, जो आज अभिभावक हैं जिनके बच्चे 12 साल 15 साल इस एज ब्रैकेट में हैं, टीन एज में, जो सबसे खतरनाक उम्र होती है जी, तो मैं समझता हूँ वो सारे अभिभावक उस जनरेशन गैप की कैटेगरी में नहीं आते, जहाँ तक डिजिटल उसकी बात, यहाँ विचारों की भी बात है। हाँ, विचारों की बात है, तो ये है कि जितनी जैसे हमने बातें की हैं कि बच्चे को सुनने के लिए, समझने के लिए यदि हम उसको सुनेंगे, तो जितना हम बच्चे के साथ दोस्ती वाला व्यवहार करेंगे, उतना ही जो जनरेशन गैप का वो एक डिफरेंस है वो कम रहेगा। लेकिन गारंटी फिर भी नहीं है कि आप जितना मर्जी कर लें, फिर भी बच्चे एक आध बार ये डायलॉग बोल के आपको हर्ट कर ही सकते हैं कि आपको क्या आपको पता, क्या आप पता? तो पुराने जनरेशन के जी, इट्स ओके, वी शुड एक्सेप्ट इट, इसका कोई इलाज नहीं है, और है भी ये ऐसे कहने की बात नहीं है, वो गैप तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। जो अच्छा पहले जनरेशन गैप होता था 15-20 साल के बाद, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, अब जनरेशन गैप 5-5 साल में बदलने लगा है। 5 साल बड़ा बच्चा भी छोटे भाई बहन को बोलता है कि ये दूसरे जनरेशन की है, अवधारणाएं बदल गई हैं। हाँ, बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके हिसाब से आपने बताया कि गेम में परिवर्तन हो जाना चाहिए उनके, बचपन में जो वो मान लो लूडो खेल रहा है, सांप सीढ़ी खेल रहा है, तो वो चेस पे आ जाए। अब जब बच्चा कॉलेज में हो गया है, या कई बार ऐसा होता है, ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि बच्चे हमारे पास होते ही नहीं, बाहर पढ़ने के लिए हमने बच्चों को भेज दिया, उस वातावरण में कैसे हम बच्चों को तैयार करके भेजें कि बच्चा अपने निर्णय खुद ले सके और अपना विकास स्वयं कर सके? हाँ, ये काफ़ी गहरी बात है और सबसे ज़रूरी भी मैं समझता हूँ जी। आपके बच्चों पर आपका भरोसा ही उनकी सफलता की कहानी लिखेगा जी। जो माँ बाप अपने बच्चों को बार बार ये बोलते हैं कि तूने कुछ करना नहीं है जिंदगी में, तेरे से कुछ होना नहीं है, तूने पैसा बर्बाद करना है, जो नेगेटिव कमेंट्स जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी जी, वो यूज़ करते हैं, तो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं से वही माइंडसेट हो जाता है, मैं कुछ भी कर लूँ इनको सेटिस्फाई होना नहीं, तो छोड़ो भाड़ में जाए। जबकि जो माँ बाप ये शब्द यूज़ करते हैं कि मुझे अपने बच्चे पूरा भरोसा, तो वो बच्चा फिर भरोसा नहीं तोड़ेगा जी। तो हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को उसी बात को थोड़ा सा घुमा के यू कैन एंड यू विल। हाँ, और एक दिन का मामला नहीं है ये पेरेंटिंग जो है एक परसिस्टेंसी है जी। हाँ, लगातार चलती रहती है। हाँ, ये लगातार चाहिए, ये भरोसा कोई एक दिन में ना बनेगा ना टूटा है जी। तो छोटे बच्चों से ही हमें बहुत भरोसा बच्चों में दिखाना होगा। और वो बोलते ना एक डावर का च्यवनप्राश खिला रखा है मैंने तो अपने बच्चे को, तो वो उन बातों का और भरोसे का ही च्यवनप्राश होता है वो। जब बच्चा किसी ऐसी गलत सिचुएशन में होगा या एक टेम्पटेशन होती है उसकी लाइफ में कि इस तरफ जाएगा, तो उसके लगातार जो माँ बाप का भरोसा है फिर वो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, वो शेयर करेगा अपने पिता माता पिता के साथ जी, और वहाँ से उसको समाधान भी मिलेगा फिर। बिल्कुल। दूसरी बात आपने ये बोली थी कि डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो जी। डिसीजन मेकिंग भी एक ऐसी चीज़ है मैम जिसको अपना समाज थोड़ा सा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि 4 साल का बच्चा कोई डिसीजन ले सकता है। हाँ, ले सकता है। अच्छा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, उसको मार्केट में लेके जाते हो, उसके अपनी पसंद के फ्रूट लेने में यदि आप उससे पूछते हो तो उसके वही डिसीजन मेकिंग है। टीनेज बच्चों को हम अपने फैमिली फंक्शंस करते हैं या मकान बनाते हैं या कोई और प्रॉपर्टी है, इन्वॉल्व किया जाए बच्चों, वहाँ पे उनकी सलाह ली जाए कि बेटा तुम क्या सोचते हो, हम ये कर रहे हैं, तुम क्या सोचते हो, इस किस्म की बॉन्डिंग डेवलप होगी और बच्चों को खुद पे भी एक भरोसा होगा कि हाँ मैं इस लायक हूँ, मेरे माँ बाप मुझे इस तरीके से सोचते हैं कि मैं उनको इस बारे में राय दे सकूं जी। तो वो बॉन्डिंग में भी हेल्प करेगा और आपके साथ भरोसे बच्चे का जो भरोसा बनेगा एज ए पेरेंट वो भी उसमें काम आए। तो यहाँ अभिभावकों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, कदम कदम पर उन्हें ये सोचना है कि अब बच्चे के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, कभी दोस्त बनकर कभी गाइड बनकर उनके साथ रहना है बच्चे को। मैं ऐसा सोचता हूँ बहुत सतर्क वाला आपने कई बार शब्द यूज़ कर लिया, इतने अवेयर इतने सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाता है ये, बहुत आराम से हो जाता है, एक नेचुरल फ्लो में ही चले। यदि हम बहुत ज़्यादा सतर्क रहेंगे तो टूट जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। सतर्क रहेंगे तो इसका मतलब बनावटी है,
यदि आप बच्चे को दिखाने के लिए रोज 10 मिनट पर किताब लेके बैठ जाते हैं तो बच्चा उसको देर सवेर कैच कर लेगा कि हाँ ये सब गड़बड़ चल रहा है, आर्टिफिशियल है, वो तो नकली हुआ सारा। हाँ, तो हमें मतलब इतना सतर्क नहीं, बस अवेयर होने के लिए, शायद हमें थोड़ा अपडेट होने के लिए उनसे रिलेटेड, उस एज से रिलेटेड कुछ मटेरियल पड़े हैं, उससे रिलेटेड कुछ यूट्यूब से भी देख सकते हैं, जैसे आजकल डिजिटल उसमें हैं। तो सॉल्यूशंस हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, बट हमें क्या है कि वो ऑब्जर्व करने हैं। और मैं एक और सजेशन है मेरा, टीनेज जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी दोस्ती उन पेरेंट्स से भी करो जिनके बच्चे बड़े कामयाब हुए हैं जी, जो कामयाब होकर निकल चुके हैं। वहाँ से आपको वो कई सारे गुर मिलेंगे कि वो क्या क्या करते थे। मिसेस शर्मा या मिस्टर शर्मा, कि मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपके बच्चे कामयाब हुए, आपने ऐसा क्या क्या किया, तो वो आपको फिर शायद बहुत सारी ये चीज़ें भी बताएंगे कि हम साथ में बुक्स पढ़ते थे, हम साथ में घूमने जाते थे, किसी संडे को हम अपने जब मौसम ठीक हो तो कंट्री साइड जाते थे, खेतों में घंटों बिता के आते थे। कुल मिलाकर बच्चों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। और वो भी क्वालिटी वाला समय जी। तो सर एक और सवाल जी, कि जब बच्चा ये महसूस करता है कि उसकी कही हुई बात पर कोई गौर नहीं हो रहा है तो वो गुस्से में आ जाता है, एंग्री मूड में होता है जी। और उस समय फिर वो माँ बाप को पलट कर जवाब देने लगता है बहुत ज़्यादा गुस्से में और बिल्कुल आक्रामक स्टेज पर आकर, उस समय बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए? हाँ, ये उल्टा जवाब देता है जी। एक्चुअली मैं इसमें ऐसा समझता हूँ कि एक तो जब बच्चा उल्टा जवाब देता है तो उसको हम अपनी ईगो से ना लगाएं, हम अपने थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा दिमाग से काम लें और जो एक हीट ऑफ द मोमेंट है वहाँ पे हम शांत रहें, न उसको भाषण देना है न उसको समझाना है, उस वक्त उसको जो भी बोलना है निकालना है वो सुन लें चुपचाप और कोई रिएक्ट ना करें, उसके जो रोष है उसको निकलने दें। उसके बाद एक घंटे बाद, आधा घंटे बाद, जिस किस्म से मौका हो दोबारा बैठ के वही बात फिर बच्ची से फिर की जा सकती है कि मैं समझ सकता हूँ इस उम्र में तुम इस किस्म से जवाब देते हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो मैं उस गुस्से की वजह जानना चाहता हूँ जी। तो बच्चे के साथ यदि फिर लॉजिकली बात की जाए और टू द पॉइंट बात की जाए तो मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को समझेगा और अगली बार उसके चांसेस काफ़ी कम है इस दोहराएगा नहीं करेगा। इस गलती को वो। और यहाँ पे अक्सर पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, उससे एकदम से रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाती है जो फिर संभाले नहीं संभाल। यहाँ अभिभावकों को चाहिए कि वो सोचें थोड़ा सा और एक बार शांत होकर दोबारा फिर इस बात पर शांति से बैठकर डिस्कस करें, तुरंत उसका जवाब देने से बिल्कुल बचना चाहिए, कम से कम आधे घंटे बाद, क्योंकि एकदम से आप भी तो गुस्से में आ जाते हैं ना उसके जवाब से, वो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जी। पिलानिया सर बहुत अच्छी बातें आज आपने बताई और अभिभावक अगर इन कदमों पर चलेंगे तो यकीनन वो सफलता की राह पर चल रहे हैं और उन्हें मंजिल मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।